कोलंबो टेस्ट पाकिस्तान ने पहली इनिंग 576 रन पर डिक्लेयर कर दी है। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 410 रन की बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि सलमान आगा की इनिंग उस पर बात ना की जाए तो यह ज्यादती होगी, 132 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट गए और महज 148 बॉल उन्होंने खेली है। जिक्र करें ना उसकी मिस सेंचुरी है, फिर भी कुछ बिल्कुल रिजवान आए हैं सरफराज के रिटायर्ड हिट होने के बाद जो है वो रिजवान टीम में आए, वरना वो तो टीम में भी नहीं थे और मिस सेंचुरी करके चले गए। बिल्कुल क्रिकेट एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, किसको दाद देंगे आप इस मैच में? सलमान अली आगा, अरे कमाल कर दिखाया है, क्या रिव्यूज हैं आपके? बिल्कुल सही बात आपने कही है, पाकिस्तान के तमाम ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, तमाम सवाए बाबर आजम के, सभी ने स्कोर किया है। और मतलब ये सलमान आगा ने जिस टाइप की इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान कभी टेस्ट क्रिकेट में इस टाइप की इनिंग्स खेलता नहीं है। उन्होंने इंतहाई तेज रफ्तारी से रन बनाए और इंतहाई कॉन्फिडेंस से श्रीलंकन बॉलर्स का मुकाबला किया, फर्नांडो का, जयसूर्या का, जो कि गेंद थोड़ा सा टर्न भी करा रहे थे, और वो पांचवें छठे नंबर पे आने के बाद इस टाइप की इनिंग्स खेलना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप भी अगर देख लें कि अब्दुल्ला शफीक वो सत्रहवें पाकिस्तान के 17वें टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओवरसीज में 200 से ज्यादा रन स्कोर किए। सलमान आगा की इनिंग्स यकीनन अच्छी थी, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन जो तारीख रकम की है वो अगेन सऊद शकील ने की है। सऊद शकील ने सात टेस्ट मैचेस के हर इनिंग्स में उन्होंने 50 से ज्यादा स्कोर किया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक बार साहब सॉरी टू ब्रेक यू, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, अभी तक कोई खिलाड़ी ऐसा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री है। इससे पहले जो 6 टेस्ट मैचेस में भारत के टॉप जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन सुनील गावस्कर और दूसरे 4 खिलाड़ियों ने बनाया था, तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सऊद शकील का, मेरे ख्याल में ये हैट्स ऑफ टू दैट। और यहां एक बात मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो आज डिक्लेयर किया ना, बिल्कुल इकबाल साहब, और सऊद शकील की अगर बात करें तो महज 112 रन की दूरी पर हैं वो अपने 1000 कंप्लीट करने में, जो कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा क्योंकि फास्टेस्ट 1000 होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा प्लीज। मेरा ख्याल है कि अगर श्रीलंका में 3 मैचों की सीरीज होती तो शायद वो ये रिकॉर्ड बना लेते, ये रिकॉर्ड भी बना लेते, बिल्कुल। अच्छा सर, मैच की जो बात हो गई है, अब मैं एक सवाल आपसे जो है वो बोर्ड के हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जका अशरफ साहब के मुशीर जो हैं मजबाउल हक साहब, वो बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं कि उन्हें चीफ सेलेक्टर जो है वो बना दिया जाए, या हो सकता है ये बातें भी चल रही हो चीफ सेलेक्टर वो बनना चाह रहे हैं अभी वर्ल्ड कप से थोड़ा ही पहले। पहले तो इसकी तस्दीक कीजिएगा, ये क्या ये खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट एनालिस्ट हैं, इस हवाले से एक ये बता दीजिएगा कि ये खबरें सही हैं या गलत हैं। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी तब्दीली, क्या पाकिस्तानी टीम के मोराल में कुछ कमी बेशी हो सकती है? यार आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने सवाल किया, मिसबाह उल हक चीफ सेलेक्टर नहीं बनेंगे। तुरफा तमाशा यह है कि मिसबाह उल हक को एक कमेटी बनाई गई क्रिकेट, जिसका नाम है क्रिकेट कमेटी बनाई गई है, वो इससे पहले भी थी, वो जो है चीफ सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी। मैंने ये सुना है कि इकबाल कासिम को वहां बुलाया गया था, इकबाल कासिम से उनकी मुलाकात हुई है जका अशरफ साहब की, लेकिन इकबाल कासिम साहब ने मना कर दिया कि नहीं जनाब, वो पीसीबी में फिलहाल कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। ये एक अजीब किस्म की बात है कि वर्ल्ड कप के तमाम टीमें जो हैं इस वक्त अपने अपने आइटनरी डिसाइड कर रही हैं। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगा, मतलब मेरी समझ में नहीं आता यहाँ इस वक्त ये उखाड़ पुछाड़ की जरूरत क्या थी। मतलब इस टाइप की चीज सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है। पीसीबी में आप ये देखिए, पिछले 1.5 साल में 3 चेयरमैन तब्दील हुए हैं। 3 चेयरमैन तब्दील होने का मतलब यह है कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपने तबाह करके रख दिया। अब ये समझ में नहीं आता, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होती। दुनिया वाले कहते हैं कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ, एक चेयरमैन आता है वो कुछ कहता है, एक चेयरमैन आता है कहता है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, एक चेयरमैन कहता है कि नहीं जनाब पाकिस्तान को और मैचेस। इकबाल साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, इस मामले पर कोई कानून साजी क्यों नहीं होती? क्या हो भी सकती है या नहीं हो सकती? देखिए पीसीबी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन अमल करता है ये आपको पता है। जिस तरीके से रमीज राजा को हटाया गया था, नजम सेठी आए थे, उसके लिए एक नया तरीकाकार इख्तियार किया गया था कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया। जब जका अशरफ का मसले कोर्ट में गया तो कोर्ट के बाद
यहाँ भी मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई कि जनाब उनको किसी तरीके से पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन पीसीबी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, अगर आप ये चाहती हैं कि जनाब कोई पार्लियामेंट के थ्रू या नेशनल असेंबली के थ्रू या सेनेट के थ्रू कोई लेजिस्लेशन हो तो ये एक लंबा मसला होगा, एक लंबा प्रोसेस। ठीक है, लंबा प्रोसेस तो मसला नहीं है। इकबाल जमील साहब बात करते हैं अब दोबारा से मैच के हवाले पे कर लेने बात। एक बात मेरे ज़हन में आ रही है। अच्छा, फिर आ गई है, कीजिए। मेरे ज़हन में ये बात आ रही है, ये इंडियंस का तो सुना था कि जनाब उनको खार चढ़ती है जब कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म करता है, स्पेशली पाकिस्तानी। ये श्रीलंका की टीम में जनाब स्मिथा फर्नांडो साहब एक बॉलर है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की है सऊद शकील के साथ, जिसके बाद उन्होंने गलती तस्लीम भी की और बोला है जनाब मैं आइंदा बाज रहूंगा, उनको डीमेरिट उनका एक पॉइंट भी हुआ है। ये इनको क्या प्रॉब्लम हुई इकबाल साहब? देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ही होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनका टेम्परमेंट लूज कर जाता है। वो इतनी देर से आप ये देखें, वो मार पड़ रही थी उनके, तीनों श्रीलंका के बॉलर्स ने 100-100 रन से ज्यादा रन दिए हैं, आप ये बताइए, सिर्फ 5 विकेट हासिल की है, तो उनको एक फ्रस्ट्रेशन होता है और ये क्रिकेट अक्सर बेशतर चलता रहता है, लेकिन ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया अपनी गलती, अगर तस्लीम नहीं करते तो उनको फाइन लग जाता। सर, हमारा रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है वो तो पहले ओवर में विकेट लेने के बाद भी इतने एग्रेसिव रहते थे कि हाँ भाई किसने क्या कहना है, आ जाओ। देखिए, दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, आप ये खास तौर पे देखिएगा कि उनका टेम्परमेंट जरा ये होता है कि इसलिए कि वो जान लगाते हैं, उनकी एनर्जी जाती है और फिर जब उनको सक्सेस नहीं मिलता तो फिर वो इस टाइप की एक्शन करते हैं, वो दिखाते हैं। अभी इंग्लैंड के एशेज में भी ये सिचुएशन पैदा हुई। इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान ने जो डिक्लेयर किया ना, ये डिक्लेयर ओवरनाइट हो जाना चाहिए था। 397 रन का कोई क्या फायदा हुआ, उसमें 2 ओवर कराए गए, उनमें से 1 ओवर मेडन गया और सिर्फ रिजवान की निस्फ सेंचुरी के लिए आपने 20-25 मिनट का खेल जाया कर दिया। आपको ये पता नहीं कि वो कंडीशंस क्या है, बारिश हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, एक एक लम्हा। अभी देखें, चौथा टेस्ट जो हुआ इंग्लैंड में, 2 दिन बारिश की नजर हो गया, इंग्लैंड अपर हैंड था, यकीनन टेस्ट जीत जाता। तो भाई ये बाबर आजम को सोचना चाहिए था, ओवरनाइट कर लेते, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होते, टीम और पाकिस्तान पहले। बिल्कुल ऐसा ही ओवरनाइट किया जा सकता था, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 दिन मौजूद हैं, हम आराम से जो है वो इस हदफ को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था सर कि अभी जो वेदर कंडीशंस हैं, और इस वक्त तकरीबन कोई 7 ओवर के करीब खेल चुके हैं और 12-13 रन हो चुके हैं, ये बताइएगा कि इन कंडीशंस में हमारे बॉलर्स को, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नसीम ने आउटस्टैंडिंग जो है वो लास्ट इनिंग खेली है, हमारे बॉलर्स को एग्रेसिव होना चाहिए इस वक्त या अभी शाम तक या फर्स्ट हाफ खत्म होने तक, किस तरह स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ट्रेजेडी बिल्कुल ये बात है कि बाबर आजम शुड गो फॉर एन अटैक, उनको बिल्कुल ऑफेंसिव अटैक करना चाहिए। 410 रन बहुत बड़ी बात है, 2 दिन पड़े हैं, पता नहीं खुदा ना खासा अगर बारिश हो जाए तो मसला हो जाएगा, लेकिन उनके पास प्लेयर्स हैं, अबरार हैं, इज ए वेरी गुड, नुमान बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, विकेट थोड़ी सी टर्न भी ले रही है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिफेंस उनको बिल्कुल क्लोज इन फील्डिंग के साथ बैट्समैनों को घेर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने टिप दे दिया है, ये मशवरा दे दिया है, देखते हैं क्या होता है, और अगर बारिश ने रंग में भंग डाल दिया तो फिर मामलात किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।